Hi everyone, let us begin exercise 14.2. 14.1 आपने कर ली। अब 14.2 में हम मोड पता करेंगे, ग्रुप्ड डाटा का मोड पता करेंगे बच्चों। तो अभी मैंने सीधा एक एग्जांपल ले लिया है, आई टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल के सीधी एक्सरसाइज ले लिए। 14.2 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मोड पता करना है। मैं आपको बता देता हूं, मोड में आपने 9th क्लास में पढ़ा था जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने का डाटा को मोड कहते हैं। जैसे कहीं लिख दिया मैंने 10 15 15 15 16, तो मोड क्या है इधर, इसका मोड है 16, सॉरी मोड इज 15। तो बिकॉज 15 अकर्स 3 टाइम्स, 15 अकर्स फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट देयरफॉर द मोड इज 15। हिंदी में बहुलक, बहुलक इसका 15 है। तो जो चीज सबसे ज्यादा बार होती है उसको बहुलक बोलते हैं, उसको मोड बोलते हैं। ये अनग्रुप्ड डाटा था। अब हमारे 10th क्लास में ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप में डाटा रहेगा, उसका मोड कैसे निकालना। यहाँ मोड का ये देखो डाटा दे दिया ऐसे, आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में ऐसी टेबल आएगी, आप टेबल को वर्टिकल बनाना, ऐसे खड़ी टेबल बना लेंगे बच्चों। तो इसमें क्या करना, ये फॉर्मूला पहले याद है, मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच। या चार लेटर है, एफ जीरो एफ वन एफ टू, तीन ये हो गए, एक एच हो गया, एक एल हो गया। तो एच तो हो गया हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द इसकी क्लास, इसकी क्या क्लास की हाइट, हाइट ऑफ द क्लास, क्लास की हाइट है, या साइज ऑफ द क्लास इज एच। ठीक है, सबसे पहले मॉडल क्लास या मॉडल क्लास कैसे ढूंढनी मैं बताऊँ। आप एग्जाम में ऐसा आता है, नॉर्मल आएगा आपको ऐसा मिलेगा, यू नॉट गेट नॉर्मल वन। मॉडल क्लास यानी ऐसी क्लास जिसके अंदर मोड मिलेगा आपको, आप सबसे पहले देखना फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी एफ आई, इसको ई कॉलम एफ आई का, ठीक है, एफ आई, इसको एफ आई कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ चलेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, इसमें 6 लोग हैं, इसमें 11, इसमें 21, इसमें 23, इसमें 24, इसमें 5। सबसे ज्यादा 23 है, 23 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके सामने की जो क्लास नहीं है 35 to 45, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। यहां लिखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लिख देते हैं यहां लाइन है, यहां लिखना होगा आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, यानी सबसे ज्यादा मारे मारता कौन है, 23, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू, विच ये लाइन देखना, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्लास 35 to 45, कौन सी क्लास के सामने है ये 35 to 45, ये हमारे उस क्लास को कॉरेस्पॉन्ड करता है, उस क्लास के संगत में है ये, ठीक है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अभी आप नीचे लिखिए देयरफॉर, ये लाइन सभी में आपको लिखना, देयरफॉर, देयरफॉर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज 35 to 45, ये चीज आप याद रखें, ठीक है, 35 to 45। ये मॉडल क्लास सबसे पहला काम, मॉडल क्लास ढूंढना। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो मोड आएगा इसके उसके बीच में कुछ आएगा, 35 और 45 के बीच में कुछ आंसर आएगा, 35 36 हो सकता, 37 या मतलब कुछ दिन में पॉइंट भी हो सकता, 35 से छोटा नहीं आएगा, 45 से बड़ा नहीं आएगा। ये एक अच्छी चीज है, आपको आंसर का जब आएगा आपको पता लग जाएगा मेरा आंसर गलत है या सही है। अब यहां पे कुछ चीजें हिंदी मीडियम बच्चों आप लिख लेना, एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की नीचे वाली लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट 35, अपर लिमिट 45, लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, सीमा एल मीन्स लोअर, एफ जीरो एफ वन एफ टू, तीन चीजें एफ जीरो एफ वन एफ टू, यहां पर मॉडल क्लास क्या है ना, तो इसके तीन लगातार क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना, ये ऊपर वाली 23 बीच में, तो ये तीनों, इसके पहले वाला एफ जीरो होगा, ये खुद एफ वन होगा, ये खुद एफ टू होगा, ध्यान रखना एफ वन बड़ा वाला, सबसे बड़े लोग बीच में बैठते हैं यार, बड़े लोग बीच में बैठते हैं ना, तो एफ जीरो एफ वन एफ टू। एफ जीरो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी
मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाली की प्रीसीड मीन्स जो पहले आती, प्रीसीड मीन्स जो पहले आती है, तो मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी को एफ जीरो बोलते हैं, एफ वन मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये आपकी किताब में भी लिखा है, समझा रखा है। एफ वन, एफ टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। तो ये एफ जीरो, एफ वन, एफ टू, इसके ऊपर नीचे, ऊपर वाला एफ जीरो खुद एफ वन और बाद वाला F2 है, ऊपर वाला F0 खुद F1 और बाद वाला F2, ठीक है, 0 1 2 3 कंटिन्यूटी बीच वाला वाले H साइड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो अभी एग्जाम में आप ये सारी चीजें नहीं देख रहे, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। तो अभी हम एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं सीधा, ऑल राइट, यहां पे ये लाइन आप सब में लिखेंगे, मैं एक दो करूंगा, आप बोलोगे रे इतना इजी है, इतना आसान, सोचा नहीं था सपने में। तो यहां पे आप क्या करेंगे मैं बताऊं, L क्या है, व्हाट इज L, L ये सब चीज, ये आपको ये फॉर्मूला या सूत्र लगाने से पहले MOD ये सब चारों अक्षरों का मान लिखना, वैल्यू L कितना हो गया 35, ठीक है, L 35, ठीक है, F 0 ये पड़ा 21, ये सब लिख दें, हियर यहां, यहां ये हो गया 21, F 1 23, F 1 is 23, F2 is 40, okay? And height, class की size कितनी, class में gap कितना, 15, 10, 10 का gap और 10, 10 होगी, ठीक है? तो 35, 21, 23, 14, 10, समझ में आया? 35, 21, 23, 14, 10, now put values, आप इसके बाद ये लिखो, सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना, फिर formula लिखना है, सूत्र लिखना है बच्चों, L कौन हो गया, L कौन हो गया, बड़ी जैली, L, L किधर गया, L किधर गया, ये पढ़, L 35, 35 plus F1 minus F0, ये वाला, 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ वन, 2 इंटू एफ वन कौन है, 2 इंटू 23 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू है, माइनस 21 और माइनस एफ टू कौन है 14, ओके, माइनस 21 माइनस 14 हो गया और इंटू इंटू में 10 हो गया। अब समझ में आया, 35 तो पढ़ा, मैं साइड पढ़ा लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया 21 हो गया, 21 में 23 में 21 चला गया 2, ये हो गया 46 में से ये कितना 21 और 14 माइनस हो गया 35, 46 माइनस 35 कितना हो गया 11 इंटू 10, ठीक है। अभी भी आपको विजिबल होगा, दिस विल बी 35 प्लस 20 बाई 11, यानी आपको मिला 35 प्लस कितना मिल जाएगा, 35 प्लस 1.8, your answer is 36.8, मतलब check करो answer, 36.8 is the answer, okay? This is the answer, काफी आसान, बिल्कुल सिंपल तरीका, यानी मेन फाइंड करने से तो काफी आसान है, लेकिन आपके क्वेश्चन में मोड भी पूछा है और मीन भी पूछा है, मीन में कराऊंगा नहीं, बिकॉज मीन आपने 14.1 में किया था, तो मीन बहुत आसान है, खुद कर रहे हो, okay? जितने भी मैं आपको मोड कराता जाऊंगा। सवाल नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, काफी आसान है, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। सवाल नंबर दो काफी आसान, सवाल नंबर दो काफी आसान बच्चों, क्वेश्चन टू में द क्वेश्चन इज गिवन हियर, आई रीड इट आउट फॉर यू, पढ़ सकते हैं हम, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, बिजली के कुछ उपकरण है, मैं आपको एक बार बिल्कुल कैमरे के सामने करके क्वेश्चन शो कर देता हूँ, पहला तो आपको दिखाया नहीं था, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये पहला क्वेश्चन था, ओके, इज फर्स्ट सपोर्टिंग पॉइंट टू, इट इज विजिबल टू यू, थोड़ा और आगे कर देते हैं, आपको देख सकते हो, ओके, रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन है, ये देखो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपनी, यू कैन सी द क्लियरली दिस टेबल, फाइंड द डिटरमाइन द मॉडल मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, दिस इज विजिबल, ऑल डेटा आर विजिबल नाउ। अब इसको इसी तरीके से करता, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने के बाद आपको ये जो चार अक्षर है इनकी वैल्यू ढूंढनी है।
ये काम सब में करो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आप बताए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, 61 है, 61 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61, तो ये आप करो यहां लिखो 61 लिख दो, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द क्लास 61 किस में आ रहा है 6280, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 60, मैंने खाली जगह भरना और कुछ नहीं करना, ठीक है, दिस इज बोथ 6280। अब एल कौन सा 60 बनाओगे ना, ये वाला, ये आपका मॉडल क्लास है, चाहो तो आप उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना एग्जाम में जाकर, तो इसके पहले वाला कौन है, ये F0 और ये F1 और ये F2 हो गया। अब L कौन है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, अब ये सीधा वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये बताना नहीं कि L लोअर लिमिट है, आप सीधा यहां वैल्यू डाल दीजिए, L 60 हो गया और ये सीधा पड़ा 50 52 138, 52 61 38, क्लास की साइज कितनी 20 है, तो कितना हो गया 60 52 61 38 एंड 20। नाउ पुट वैल्यूज गेट आंसर, what is the problem here, L is 60 plus F1 कौन है, F1 सबसे बड़ा है, इसका नंबर 1 है ना, ये सबसे बड़ा होता है बिकॉज़ मॉडल क्लास ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो 61 माइनस कौन है, 61 माइनस 52 हो गया, नीचे 2 into 61 माइनस F0 F2 इसका डबल फिर 52 38, माइनस 52 माइनस 38 इंटू करके या ब्रैकेट लगा के लिख दो 20। अब आप आराम से सिंपलीफाई कर सकते हो, परफॉर्म कैलकुलेशन, बच्चों ऊपर कितना हो गया 9 हो गया, नीचे 60 का 122 माइनस ये हो गया 90 इंटू 20, 60 प्लस, क्योंकि 60 से थोड़ा बड़ा आएगा ना, ये कितना हो गया, हाउ मच इज दिस इज 90, मैंने बोला 90 लिखा ही नहीं, तो 9 by 32 into 20 हो गया आपका आंसर, जल्दी जल्दी क्या रहने का, ये आपका 9 into 20 हो गया ना, तो अब आपको कुछ नहीं, 60% आप मल्टीप्लाई करेंगे काट देना इसको, ये कितना होगा, हाउ मच इज दिस, ये 10 और 16, ये होगा 9 into 10 by 16 हो जाएगा, यानी 90 by 16, 60 plus 90 by 16, अब 16 टेबल आती है, या इसको अगर 45 एड कर लो, 4 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो आपको मिलेगा 60 प्लस तो 16 5 to 80 5.625, तो कितना आया 65.625 इज द आंसर। देखो आप चेक करना, आपकी मॉडल क्लास 60 to 80 थी ना, इसके बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए, ये आपका सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट आप अपनी होमवर्क में नोट कर लेना, एग्जाम के टाइम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, ऑलराइट, अभी आप होमवर्क में लिख लेंगे तो आपका एग्जाम के वक्त आपका टाइम बचा रहेगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 3, अभी मैं आपको दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑलरेडी आई रिटन फॉर यू सॉल्यूशन ऑफ दिया, ये एक्सपेंडिचर किसी फैमिली का, नंबर ऑफ फैमिली दैट इज FI, यानी ये फ्रीक्वेंसी थी, यू कैन फ्रीक्वेंसी, ये उनका खर्चा, ये क्लासेस, आप सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे ज्यादा बारंबारता, यानी इस लाइन में, इस कॉलम में जो सबसे ज्यादा नंबर है वो कौन है, 40 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये तो इतना आसान कि 5वीं 6वीं का बच्चा भी समझ सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 आसान क्लास कौन है, विच कोरेस्पॉन्ड्स टू, यानी जिसकी संगत क्लास 1500 से 2000 है, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या होगी, ये फिर वापस लिख दो, या लिख दो विच इज मॉडल क्लास, या इतना भी लिख सकते हैं विच इज मॉडल क्लास, जो कि मॉडल क्लास, ठीक है ना, विच इज मॉडल क्लास, विच इज अंग्रेजी चेंज भी कर सकते हैं, विच इज मॉडल क्लास, अब ये मॉडल मोड की क्लास है, यानी आपका उत्तर 1500 और 2000 के बीच में होगा, लोअर लिमिट L इक्वल टू 1500 इसकी, तो ये कौन सा किधर गया, किधर ये पढ़ा, ये इसको आप गोला कर दो, ठीक है, इसके पहले वाला कौन है F0, इसके पहले वाला तो मैं सीधे लंबी लाइन कर दूं, ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, तो बच्चों L क्या 1500, L हो गया 1500, F0 24, F1
40 हो गया, F2 हो गया 33। क्लास की साइज कितनी है रे? 1000 से 1500। तो साइज ऑफ द क्लास या हाइट ऑफ द क्लास इज 500 हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यू विल पुट वैल्यूज एल का, यहाँ सारी वैल्यू रख देना, यू विल गेट आंसर। दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो आप कर सकते हैं, एक्सपर्ट हो गई हो, है कर लोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छा काम करते हैं, अच्छे बच्चे हो ना, ये आप कर सकते हैं। तो इस जब आप ऐसा कर ले, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा, आप इसको कंप्लीट करना, आज ही करना, ऐसा नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक है ना? ये आप वादा करेंगे मुझसे, ओके? तो अभी 3 क्वेश्चन और, फटाफट मैं आपको इतना हिंट देके छोड़ दूंगा, आप नोटबुक में कैलकुलेशन पूरी कर लेना। ऑल राइट, वेरी गुड। अगला सवाल मैंने आपके लिए लिख कर रखा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं लिखा, अगला सवाल लिख दिया है। सवाल नंबर, ये कौन सा सवाल है, ये कौन सा सवाल है, ये कैसा सवाल है, ये कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। फोर्थ क्वेश्चन, क्या दिखा है? बाकी अभी तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर या नंबर ऑफ पर टीचर डाल देना। दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी वगैरह या एफआई, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये टीचर आप लिख देना, ठीक है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या लिख देना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्टेट लिख देना, ओके? नंबर ऑफ स्टेट्स, सबसे ये फ्रीक्वेंसी आप, मैं सीधा फ्रीक्वेंसी एफ आर ई क्यू लिख दो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10 है, जो किसके सामने? 30 से 35 है, 30 से 35 है। विच इज मॉडल क्लास? ये मैं तो इतना ही मिटा रहा हूँ, मैं अभी बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है? मैं इतना मिटा या फिर वापस उसी जगह लिख दिया, आपको तो बार बार लिखना पड़ेगा। यल क्या? यल 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 30 जो सामने, ओ एल कौन? एल कितना? 10 के सामने 30 है ना, करेक्ट, 10 के सामने 30 कौन का? 30 से 35 होगा। अब ये क्लास कौन सी होगी? अब सीधा सीधा देखो, ये एफ जीरो, ये एफ वन, ये एफ टू हो गया, ठीक है ना? तो एफ जीरो सीधा 9, 10, 3 सीधा 9, 10, 3 हो गया। हाइट क्या क्लास की? साइज 5 है। पुट वैल्यू गेट आंसर, पुट वैल्यू एंड गेट आंसर, होमवर्क आपके लिए। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या टेबल बना रखी है? द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। दिस इज रन स्कोर्ड एंड दिस इज द नंबर ऑफ बैट्समैन, ये नंबर ऑफ बैट्समैन है, नंबर ऑफ बैट्समैन। बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसका मोड निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन? 18, तो दैट इज 18। 18 के सामने क्लास को आगे 4000 से 5000, 4000 से लेके 5000 तक, विच इज मॉडल क्लास। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, 18 हो गया, इसके ऊपर वाला F0, ये F1 और ये F2 हो गया, ठीक है? तो L क्या है? 4000, 4000, ये सीधा लिख दो 4, 18, L9। या एग्जाम में ये थोड़ा बाहर लिखना, ठीक है ना? टेबल के बाहर लिखना, अंदर पर लिखना, ये F0 होगा, ये F1 होगा, ये F2 होगा, टेबल के अंदर, तालिका के अंदर। और इसकी साइज कितनी है? व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास? बताइए क्या क्लास की साइज है? क्लास की साइज हो गया 1000। अब 400, 4, 18, 9000, ये समझ में आ गया? 400, 4, 18, 9000, इन वैल्यूज को, यानी ये मान आप इस सूत्र में रख दीजिए, आप सूत्र में रखेंगे तो आपको उत्तर आएगा। दिस इज यू विल गेट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6, आज का आखिरी सवाल होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा है? स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द स्पॉट ऑन ए रोड ऑफ 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, ठीक है? 3-3 मिनट का उसने ऑब्जर्वेशन किया और उसने 100 बार उसने नोट किया। यू कैन सी द क्वेश्चन नाउ हियर, द क्वेश्चन इज विजिबल टू यू, मैं आपके सामने कर देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन, आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा। आप इसको मोड पता करना है तो आप देखिएगा कौन सा, आप ऐसा ओरिजिनल चीज को वर्टिकल लिखिए, बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल। हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ी बारंबारता 20 है। इसके सामने क्लास कौन सा है? 40 से 50, विच इज मॉडल क्लास, जो कि मॉडल क्लास है। एल कितना हुआ? तो 20 आप लिख दो पहले ही, ऊपर वाला एफ जीरो हो गया, ये एफ जीरो, ये इसके बगल एफ वन, ये एफ टू हो गया। एल कौन है? इसकी मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40 है ना, तो 40 ये नंबर सीधा 12 20 11 12 20 11। क्लास की साइज कितनी है? क्लास में गैप कितना? 10 10 का गैप है ना, तो 12 20 11 आपने लिख दिया। अब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा, बट आपका आंसर 40 और 50 के बीच में आंसर आएगा बच्चों। यू कैन डू इट। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 14.2। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कुछ अच्छा खासा कमेंट भी कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।